नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विटी ज्ञान पर। अब हम बिल्कुल आसान से तरीके से समझेंगे 11.3 का प्रश्न नंबर 15। तो इस प्रश्न के अनुसार हमें दिया हुआ है D भुजा BC का मध्य बिंदु है और E भुजा AD का मध्य बिंदु है, जो कि AD को E पर और AC को X पर काटता है। तो सिद्ध करना है हमें EX बटा बी बराबर 1/3। सबसे पहले रचना, डी से एक रेखा खींचते हैं डीएफ, इसको ओ पर काटते हैं, डीएफ समांतर खींचते हैं सीए के। तो रचना के अनुसार डीएफ समांतर है सीए। इसके बाद उपपत्ति त्रिभुज बी सी एक्स में, त्रिभुज बी सी एक्स में डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, डी बी सी का मध्य बिंदु है, ये हमें दिया हुआ है। और रचना से डी ओ समांतर है सी एक्स के, क्योंकि डी एफ समांतर है सी ए के। तो यहां लिखेंगे डी ओ समांतर है सी एक्स के। तो मध्य बिंदु पर लेके विलोम से त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा दूसरी भुजा के समांतर हो तो तीसरी भुजा को भी मध्य बिंदु से गुजरती है, तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। तो मध्य बिंदु करने के विलोम से मध्य बिंदु परमेय के विलोम से ओ बी एक्स का मध्य बिंदु होगा, ओ बी एक्स का मध्य बिंदु है, अतः बी ओ बराबर है ओ एक्स के। समीकरण नंबर एक। उसके बाद इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांश संसिद्ध करते हैं, क्योंकि इसमें ई एक्स भुजा जो हमें चाहिए वो है। तो इन दोनों त्रिभुजों के लिए ई मध्य बिंदु दिया हुआ है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, समांतर रेखा होने के कारण ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण, और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो त्रिभुज डी ई ओ, त्रिभुज DEO व त्रिभुज AEX में, AEX में सबसे पहले कोण ODE, कोण ODE बराबर है कोण EAX, कारण एकांतर कोण। इसके बाद DE बराबर है AE के, कारण EAD का मध्य बिंदु है, तो DE बराबर होगा AE के, कारण दिया। और कोण DEO बराबर है कोण AEX के, शीर्षाभिमुख कोण। दो कोण बराबर हैं और बीच वाली भुजा बराबर है, तो ए एस ए सर्वांग समता गुणधर्म से त्रिभुज डीईओ सर्वांग सम होगा त्रिभुज AEX के। और यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए इसकी भुजा DE बराबर होगी AE के, जो कि हमें नहीं चाहिए। और इसकी भुजा EO
बराबर है ई एक्स के। समीकरण नंबर दो, तो पहले हमने मध्य बिंदु प्रमेय से बीओ को बराबर सिद्ध किया है ओ एक्स के, उसके बाद इस त्रिभुज को डीईओ और ए ई एक्स इस त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध करके समीकरण नंबर दो बनाई है ईओ बराबर है ई एक्स के। और अब हम जब समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ेंगे तो जो हमें चाहिए वो ई एक्स बटा बी बराबर एक बटा तीन ये मान आ जाएगा। तो समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर समीकरण एक बी ओ प्लस इस समीकरण में ये भाग ई ओ बराबर ओ एक्स प्लस इस समीकरण का ये भाग ई एक्स, तो जोड़ते हैं तो बी ओ प्लस ई ओ, बी ओ प्लस ई ओ ये पूरा भाग जुड़कर बन जाएगा बी ई, बी ई जो कि हमें चाहिए था बी बराबर ओ एक्स, ओ एक्स यानी ओ से लेकर एक्स तक ये पूरी हो जाए। इसको हम दो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में लिख सकते हैं ई ओ प्लस ई एक्स प्लस ये ई एक्स वैसे का वैसे। अब समीकरण दो से बी ई वैसे का वैसे बराबर ई ओ, और ई ओ को लिखा जा सकता है ई एक्स, तो इसकी जगह लिख लेते हैं ई एक्स प्लस ये ई एक्स, तो ये आ जाएगा बी ई बराबर ए ई एक्स दो ई एक्स तीन ई एक्स, तीन ई एक्स तीन गुणा में है तो इसके भाग में आ जाएगा, ये बनेगा बी ई बटे तीन बराबर ई एक्स। बी ई को जब हर में लेके जाएंगे यहां एक बचेगा एक बटा तीन बराबर ई एक्स बटा बी ई, यानी कि ई एक्स बटा बी ई बराबर एक बटा तीन, और हमें सिद्ध करना था ई एक्स बटा बी ई बराबर एक बटा तीन, यानी कि यह प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को यह प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। करना क्या है, सबसे पहले त्रिभुज बी सी एक्स में मध्य बिंदु प्रमेय की सहायता लेते हुए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से बी ओ को बराबर सिद्ध करना है ओ एक्स के, और उसके बाद त्रिभुज डी ई ओ को सर्वांगसम करना है त्रिभुज ए ई एक्स के, तो दो समीकरण बन जाएंगे, उन दोनों समीकरणों को इस प्रकार योग करके ई एक्स बटा बी ई बराबर हो जाएगा एक बटा तीन। तो आशा करते हैं सभी विद्यार्थियों को यह प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अपने इसी प्रकार के और कोई प्रश्न समझने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।